और इसको कैसे स्टार्ट किया जा रहा है ये दिखाइए, ये दिखाइए, ये देखिए इतने लोग इसको स्टार्ट करने के लिए लगे हुए हिला रहे। मतलब कि हद होती है जो, मतलब कि सिक्योरिटी के नाम पे। और आइए ये देखिए लगे रही है जब तक स्टार्ट नहीं हो जाए। अरे स्टार्ट हुई नहीं हुई। अरे एक बार और मारो धक्का। आइए इधर आइए इधर आइए। अरे इधर आओ इधर इधर आओ। अरे भाग कह रहे हो? अरे भागो मत, इधर आओ इधर इधर आओ। तो हमें ये बताओ कि क्या हो, आप ड्राइवर हो यहाँ के? मैं परिचालक। ये कंडीशन देखो, थोड़ा सा देख के ही डर लग रहा है। अगर सामने कोई आ जाए तो एक्सीडेंट से पहले खुद ऐसे ही मर जाएगा, क्योंकि इतनी डेंजर लग रही है सामने से देखने में। लड़ने से पहले ही मर जाएगा। अब नहीं है बोल्टी, ये वर्कशॉप का काम है। हमारा क्या काम है? हमारा काम है कि टिकट काटना सब। ये देखो इसमें भी एक नहीं है व्यवस्था, सब वर्कशॉप की अधिकारियों की। हम छोटे से तुच्छ से कर्मचारी, हम कुछ नहीं कह भाई, हम क्या कर सकते हैं? गलती नहीं है मेरी, ये आप अपनी पॉकेट से थोड़ी लगा पाए। बोल्ट गायब है ये तो। और ये दिखाओ, इधर दिखाओ, ये तो चल जाएगी। ये देखो, पर ये नहीं मानते। ये देखो सबके सब ढीला है। और अभी कितने किलोमीटर चल के आई है? कुल मतलब 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर। और भी हम एक दो लोगों से पूछ लेते हैं कि आखिर में हिम्मत करके बैठते कैसे हैं। तो लेकिन ये कंडीशन देख के चाचा बहुत मतलब कि अजीब फील हो रहा है। एक गाड़ी का टायर भी फटी है और 52 सवारियों को बैठाने के लिए खड़ी है। टायर के साथ साथ उसके ये स्क्रूज जो होते हैं वो निकले, बोल्ट दो ठो गायब है। कि जो बस की कंडीशन है इसमें आप लोग बैठ जाते हैं हिम्मत करके? खराब है। तो कैसे बैठ जा रहे हैं आप? अब क्या करें, मजबूरी है कि बस नहीं है तो मजबूरी है। हाँ, मजबूरी है, इसलिए बैठना पड़ रहा है। बस खड़ी है, ये बस जो खड़ी है अभी, ये जो बस खड़ी है, किसी का ब्रेक कम लग रहा है, किसी की टायर फटी हुई है, किसी की लाइट नहीं है, तो फिर ये कैसे चल रही है? अब कर रही है, ऐसे ही कर रही है। आप लोगों की मजबूरी है बैठना? मजबूरी है। चलिए देखिए, यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि मजबूरी है, सच में उनकी मजबूरी है, लेकिन अब क्या बताया जाए। आइए इधर आइए इधर आइए। अरे इधर आओ इधर इधर आओ। अरे भाग कह रहे हो? अरे भागो मत, इधर आओ इधर इधर आओ। तो हमें ये बताओ कि क्या हो, आप ड्राइवर हो यहाँ के? मैं परिचालक। परिचालक हो? कोई बात नहीं। ये जो बस की कंडीशन है, क्या कहना चाहोगे? बस की कंडीशन हम क्या कहना चाहे, जैसी हमें मिलती है वैसी चलाते, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम एक छोटे से कर्मचारी तो ये है। उसमें दो ठो बोल्ट नहीं है भैया। अब नहीं है बोल्ट, ये वर्कशॉप का काम है। हमारा क्या काम है? हमारा काम है कि टिकट काटना सब। ये देखो इसमें भी एक नहीं है व्यवस्था, सब वर्कशॉप की अधिकारियों की। हम छोटे से तुच्छ से कर्मचारी, हम कुछ नहीं कह भाई, हम क्या कर सकते हैं? गलती नहीं है मेरी, ये आप अपने पॉकेट से थोड़ी लगा पाए। उतनी मेरी क्या गलती है? मैं तो इसमें भेज दिया जाता हूँ, चला आता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? 52 सवारी बैठने वाली है, ये लंबी दूरी तय करने वाली है। और जानते हैं ना कि बोल्ट की क्या कीमत होती है? अब ये तो अधिकारी तय करते हैं, अधिकारी फिटनेस करके गाड़ी भेजते हैं, हम क्या कर सकते हैं? अरे ये कागज में फिटनेस है ना, यहाँ पे कहाँ फिटनेस है इसकी? इसमें 6 बोल्ट तो लगे हुए, 2 ही तो नहीं है। अरे तो 6 लगे हुए, उसमें चलती रहती। अरे वो चलती टेंशन है। वाली बात है वो। अब टेंशन वाली है, तो ड्राइवर सभी जेलते, हम भी जेलेंगे, क्या करें बताओ। ड्राइवर भी जेलता है, कोई बात हो गई तो फिर कैसे जेलेगा कोई? सब को कुछ नहीं बात होगी, सब सही गाड़ी चलती है, क्या कर सकते हैं? ये बता रहे थे कि ब्रेक भी कम लगती है। अब ये तो ड्राइवर ही बता पाएंगे, मैं तो परिचालक हूँ भैया, मैं तो टिकट मास्टर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? आप कहना नहीं चाहोगे कुछ? 2 बोल्ट लग जाता है। ये तो वर्कशॉप फिट करके भेजता है, कोई नहीं है, सब सही है। तो 2 वहीं से कम मिलते हैं, वहीं से कम मिलते हैं, जैसा जिसकी ड्यूटी लग जाती है वो चला आता है। ये लायबिलिटी ड्राइवर की होती है। टायर भी फटा है, टायर फटा हो या गाड़ी फटी हो, ये तो वर्कशॉप का काम, अधिकारी को मेरा क्या, मैं क्या कर सकता हूँ? यार को समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी मतलब कि घाटे में चल रहा है या कितने सदमे में चल रहा है। इसका कुछ कहना नहीं है, लेकिन ये है कि बड़ा हादसा होने से पहले हम ये चाहते हैं कि इस पर गौर किया जाए और ध्यान दिया जाए, और हर तरीके से ये लोगों को जान की जो सुरक्षा होती है वो किया जाए। पहले तो कुछ चीजें यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए रखा जाए, जो आपका फर्स्ट एड है और फिर उसके बाद में CS2 है, ये सारी चीजें कुछ नहीं है, लेकिन उसको किया जाए, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। मेरे साथ जो मार पड़ाई हुई थी ना, अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर, उसमें पैसे भी नहीं मिले। MD साहब ओके MD साहब ने कहा था पैसे देने की, आज तक पैसे भी नहीं मिले। हम आपकी आवाज जो है हम ले जाएंगे अपने माध्यम से सरकार के पास ले जाएंगे, जरूर हम इसके बारे में आपकी सहायता करेंगे, हम उन्हें आगाह करेंगे। मेरे पास बहुत वीडियो है, आप मुझे बता रहे, मैं नंबर दे रहा हूँ अपना, मैं पूरा इंटरव्यू दूंगा आपके पास। और भी हम एक दो लोगों से पूछ लेते हैं कि आखिर में हिम्मत करके बैठते कैसे हैं। चाचा बस से उतर के आए हैं आप? जी बताएं। चाचा हम आपसे कुछ बात पूछना चाहते थे कि ये जो बस की कंडीशन है बहुत ज़्यादा, मतलब कि सारी बसों को हमने देखा है अभी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस मतलब कि बस में, तो आप लोग कैसे बैठ जा रहे हैं? कैसे मतलब आप लोग को ये नहीं लगता है कि यार बैठना दिक्कत? कभी कभी साहब मजबूरी सफ़र कराती है, अब जो बस मिले जैसी मिले आई हैव टू गो।
नहीं वो तो है सर, लेकिन थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा ना कि जब बैठते वक्त किसी का, मुझे पता चला कि ब्रेक कम लगता है, किसी का गियर लगाते हुए हाथ में चला आता है और ये सारी चीजें, किसी का टायर फटा है, मैं उधर सबका देखा हूँ। बजट की भी तो प्रॉब्लम नहीं होती है इसको? बजट की प्रॉब्लम, बजट तो एडवांस में है सर, इनके पास बजट की कमी नहीं है, इनके पास कमी जो है वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है। ये लोग नहीं उठा पा रहे, ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जो बड़े अधिकारी है वो नहीं उठा पा रहे। बड़े अधिकारी पैसा खा रहे हैं, क्यों उठाएंगे वो? नहीं सही बात है, लेकिन ये कंडीशन देख के चाचा बहुत मतलब कि अजीब फील हो रहा है। एक गाड़ी का टायर भी फटी है और 52 सवारियों को बैठाने के लिए खड़ी है। टायर के साथ साथ उसके ये स्क्रू जो होते हैं वो निकले, बोल्ट दो टो गायब है। अगर 8 टायर हैं वो 8 हैं, अब आप दिखाइए उनको, हम देख लीजिए। पूरी वीडियो में दिखा दिए और उसमें CS2 भी नहीं है, फर्स्ट एड भी नहीं है आपकी, नहीं है कुछ भी नहीं है सेफ्टी के। और ड्राइवर लोग गाना सुनते हुए आते हैं हर जगह, मतलब हर, अगर लॉन्ग रूट की कोई बस है, मैं बता नहीं सा रहा हूँ, उसमें मेरे ख्याल से 6 या 7 स्टॉप लिए होंगे, कहीं चाय पिए उन्होंने, कहीं उन्होंने किसी का सामान रखा है अपने पास, कहीं आई डोंट नो। बस की कंडीशन इतनी नहीं है जितनी इनको चलना चाहिए, कागज पे सारी फिटनेस इनकी दिख रही होगी, लेकिन ऐसे फिटनेस दिख रही है आपको? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई गाड़ी फिट नहीं है यहाँ पर। चलिए हम आपसे अभी हम नगर निगम से निवेदन करना चाहेंगे कि इस पर थोड़ा सा गौर करें। कौन सी बस कहाँ से आई है, वो बस कहाँ से आई है? बुलंदशहर से यहाँ तक आई है, अभी आई है ना, उसका भी थोड़ा सा देखते हैं, नट वगैरह हमें दिख नहीं रहा है। आइए थोड़ा सा देखते हैं, आइए थोड़ा सा इस बस को दिखाइए कि अभी अभी बुलंदशहर से ये बस आई है, अभी जस्ट आई है, इसका थोड़ा सा चीज़ें दिखा देता हूँ मैं कि देखिए किस तरीके से मतलब कि मजाक बनाया जा रहा है इसका, पता नहीं मजबूरी में सब लोग बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ इधर देखते हैं थोड़ा सा, देखिए इधर दिखा दीजिए, ये तो सही दिख रहा है, और थोड़ा सा चीज़ें दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें तो यहाँ तो सही दिख रहा है, उस साइड वाला थोड़ा देखते हैं, इधर तो सही दिख रहा है, उधर वाला थोड़ा देखते हैं। तो आज ही पड़े जबरदस्ती डलवाए, अच्छा जबरदस्ती आप डलवाए, इससे पहले कैसे चल रहा है? ऐसे डील हो जाए, टाइट कर रहे हैं बस, ऊट पटांग टाइट कर रहे हैं। अच्छा ये थोड़ा सा, ये देखो ये कंडीशन देखो, थोड़ा सा देख के ही डर लग रहा है, अगर सामने कोई आ जाए तो एक्सीडेंट से पहले खुद ऐसे ही मर जाएगा, क्योंकि इतनी डेंजर लग रही है सामने से देखने में, लड़ने से पहले ही मर जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा, यहाँ तो थोड़ा सही दिख रहा है, ये देखिए थोड़ा सा, ये तीसरी बस है, ये देखिए ये गायब है, बोल्ट गायब है, ये तो और ये दिखाओ इधर दिखाओ, ये तो चल जाएगी, ये देखो, पर ये नहीं मानते, ये देखो सब के सब ढीला है। और अभी कितने किलोमीटर चल के आई है? कुल मतलब 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर बताइए, बुलंदशहर से यहाँ तक 70 किलोमीटर चल के आई है। 70 किलोमीटर चलना है इसे अभी? 1072 किलोमीटर, मतलब कि कई बार अप डाउन करना है आपको? बनाए जाएंगे यहाँ से, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से बनाएंगे, अगर खुदा ना खास्ता अगर निकल गया तो बुलंदशहर ले जाएंगे, टाइट करवाएंगे, फिर टाइट करवाएंगे, फिर चलेंगे, फिर टाइट करेंगे, फिर चलेंगे, क्या करेंगे? नहीं आप लोगों की मजबूरी है, आप लोगों की मजबूरी है, इसमें वेल्डिंग करवा लो, वेल्डिंग करवा लो, इसमें वेल्डिंग चलता है, पगला गए, कौन बोला है वेल्डिंग करने के लिए? तो इसमें वेल्डिंग चलता है, कौन बोला है करने के लिए? मतलब कई दिन से पानी डाल रहा है हर चक्कर पे, अब 5 लीटर रेगुलेटर में 5 लीटर पड़ेगा आप पानी, जब जाके बुलंदशहर को फिर बुलंदशहर से फिर पड़ेगा। कंडीशन खराब है ना बस की, कंडीशन खराब है इसलिए हालत कर रहे हैं, कोई ना कर रहा, कंडक्टर कहाँ करे, आपकी क्या गलती है? आपको जैसी गाड़ी मिलती है मजबूरी में आप लोग चलाते हैं, पेट भर रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे हैं। नहीं सही कह रहे हैं, मतलब शिकंजा कसते हैं, कागज लगाते हैं। नहीं नहीं तो आप क्या निवेदन करना चाहेंगे, थोड़ा सा बता दीजिए। क्या निवेदन को, कोई सुनने को राजी हो तो मतलब वो भी करें, सब लोग वैसे परेशान है, हम तो खुद परेशान है, क्या करें।